हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चंस जिसमें लीनियर पेयर का यूज हो रहा हो। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने क्लास 7th में पूरा डिटेल से स्टार्टिंग से पढ़ा है इस चैप्टर को, लाइंस एंड एंगल्स को। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पहले हम डिस्कस करें, होते क्या है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है तो जो एंगल्स होते हैं सामने के, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट और दोनों लाइंस में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है तो उस हम एंगल्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो ये वाले होंगे और ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो क्लियर, व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए एंड एंगल वाई। अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं ए ओ बी एंड लेट इट बी सी ओ डी, राइट? नाउ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, हमें पता है। तो अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स कौन कौन से, सॉरी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, व्हाट इज द रीजन? दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ए ओ डी इज 5y एंड एंगल बी ओ डी इज वाई। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, 5y प्लस वाई इज 6y। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 अपॉन 6, दैट इज 30 डिग्री। बट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए। अगर मैं देखूं ए ओ बी एंड सी ओ डी दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, राइट? तो एंगल ए एंड एंगल वाई दैट विल बी इक्वल। क्यों, व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई, ब्रैकेट में रीजन देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 30 डिग्रीज, सो ए आ गया 30 डिग्री। अगर मुझे इसके अलावा कोई और भी एंगल फाइंड करने के लिए कहा होता तो वी कैन फाइंड। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे 5y एंगल ए ओ डी फाइंड करने को कहा होता तो क्या करती, ए ओ डी इज 5y, y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली 30, सो 5 × 30 इज 150। सिमिलरली मेरे पास एंगल बी ओ सी भी आ जाता क्योंकि एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी इज 50, फाइंड एंगल ए ओ डी दिस एंगल, ओके, एंगल बी ओ डी दिस एंगल, आफ्टर दैट एंगल बी ओ सी दिस एंगल। तो बाकी के बचे हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। एंगल ए ओ सी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। एंगल ए और सी के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, तो दिस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज दिस एंगल बी ओ डी, ब्रैकेट में रीजन देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ए और सी हमें पता है 50, सो बी ओ डी मेरे पास आ गया 50। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं देखूं ए ओ डी एंड बी ओ सी, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेकिन मुझे इन दोनों में से कोई भी एंगल नहीं पता है, लेकिन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी और सी ओ डी दोनों ही स्ट्रेट लाइन है तो आप कोई भी ले सकते हो। ये नहीं है कि मैंने ए ओ बी ली है तो आपने भी वही लेनी है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन,
तो इस पे बने एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन विल बी लीनियर पेयर. नाउ एंगल एओसी इज 50. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीओसी. सो व्हाट इज एंगल बीओसी? 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्रीज. तो मेरे पास एंगल बीओसी आ गया 130 डिग्रीज. नाउ अभी हमने लिखा था एओडी एंड बीओसी आर इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन. राइट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन. तो एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 130. अगर आपको इक्वेशन वन में पुट नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देन एंगल एओडी आ जाएगा 130 डिग्री. तो ये तीन एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहे थे, हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. वन ऑफ द एंगल इज गिवन एंड वी वॉन्ट टू फाइंड रेस्ट थ्री एंगल्स. Okay, so y is equals to 25 degrees. Reason will be vertically opposite angle. Now this is the line L, which is a straight line. ठीक है, so इन दोनों angles का sum भी बनेगा कितना? 180. It is a linear pair. ठीक है, so z plus 25 degrees is equals to 180 degree. Reason will be linear pair. So what is the value of z? 180 minus 25, 10 minus 5, 7 minus 2 and 1. So z हमारे पास आ गया 155 degree. Now z is equals to x because these are again vertically opposite angle. जैसे y and 25 vertically opposite है, z और x भी vertically opposite angle. Now we have find the value of z, so x आ गया 155 degrees. तो हमने बाकी रेस्ट सभी एंगल्स फाइंड कर लिए x, y एंड z. लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. एंगल AOC दिस एंगल प्लस एंगल BOD दिस एंगल. हमें दिया इनका सम, दैट इज 286. अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में AOB एंड COD इज अ स्ट्रेट लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो AOC एंड BOD शुड बी इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो लेट्स राइट एंगल AOC is equals to angle BOD. Reason will be vertically opposite angle. Now we have given angle AOC plus angle BOD is 286 degrees. Now I can take any value here. चाहे मैं AOC की जगह BOD लिख दूं, चाहे BOD की जगह AOC लिख दूं, दोनों ही equal है. So instead of BOD, I write it as AOC. So, 2 times angle AOC, that is equals to 286 degrees. So, what is the value of angle AOC? That is 286 by 2. 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6. So, angle AOC equal tha angle BOD ke because they are vertically opposite angle. So, ye do angle to aa gaye 143 degrees. लेकिन हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं. अभी तो मेरे पास ये दो एंगल आए तो ये बचे हैं. नाउ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो भी एंगल्स हैं लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. AOB पे कौन कौन से एंगल बने? AOC प्लस BOC. सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन विल बी लीनियर पेयर. एओसी अभी हमने फाइंड किया 143 डिग्रीज. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीओसी. सो व्हाट इज एंगल बीओसी? 180 माइनस 143. 10 माइनस 3 इज 7. 7 माइनस 4 इज 3. 37 डिग्री. सो नाउ दिस इज एंगल बीओसी. नाउ व्हिच एंगल इज लेफ्ट? दिस एओडी. अब अगर हम AOD की बात करें, AOD एंड BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स.
सो हमने बीओसी फाइंड किया तो हमारे पास एओडी भी आ गया 37 degrees. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. वेरी इजी टॉपिक. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. इफ एंगल एओसी इज गिवन दिस, बीओसी इज गिवन दिस, फाइंड ऑल द एंगल्स. दिस इज एंगल एओसी एंड दिस इज एंगल बीओसी. ओके, नाउ अगर हम देखें एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो बने एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. सो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. एओसी की वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस 3, बीएक्स बीओसी इज 3x माइनस 2. 3x प्लस 2x 5x माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 5. So 5x is equals to 180 degrees plus 5 degrees. ये सारा degrees में था. Okay. So x कितना आया? 185 by 5. 5 threes are 15. 35. 5 sevens are 35. हमें सारे angles find करने हैं. So first is AOC that is equals to 2x minus 3. x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 37. 2 इंटू 37 माइनस 3. क्या आया? 7 2s आर 14, 3 2s आर 6 एंड 1 7. 74 माइनस 3 दैट इज 71 डिग्रीज. नाउ नेक्स्ट एंगल इज BOC दैट इज 3x माइनस 2. पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, 37 डिग्रीज माइनस 2. 7 3s are 21, 3 3s are 9 plus 2, 11. So 99 degrees, right? Sorry, 109. Okay, now AOC and BOD, these are vertically opposite angles. Angle AOC is equals to angle BOD. Bracket mein reason denge. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बीओडी हमारे पास कितना आ गया? 71 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, और कौन से एंगल इक्वल है? एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी. अगेन दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हमने फाइंड की थी बीओसी की वैल्यू, दैट इज 109. So angle AOD is also 190. So we have found all the values, all the four angles जो इस figure में हमारे पास थे, तो हमने सारे angles की value find कर ली. So that's all for the vertically opposite angles. मिलते हैं next class में with a new topic, that is transversal lines. So that is very important topic. So do not miss the class. So till then, bye-bye. Take care. Have a nice day. Khush rahiye. Swasth rahiye.